हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रणब और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16। स्टडी 16 पर आज हम लोग देखेंगे एमपीए डीपीयू की टेस्ट सीरीज का पार्ट 14। इससे पहले कि अगर आपने पार्ट नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, जीके फॉर एमपीए डीपीयू प्लेलिस्ट है, उसमें आप वीडियो देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के गठन के समय मध्य प्रदेश में कितने जिले थे। मध्य प्रदेश का गठन 1956 में हुआ था, आपको पता है, तो उस समय कितने जिले थे, यह क्वेश्चन बनता है। तो उस समय थे 43 जिले। और अभी कितने मध्य प्रदेश में जिले हैं, तो 52 जिले हैं और 10 संभाग हैं। और जो अभी नया जिला बना है वो बना है निवाड़ी, जो टीकमगढ़ से अलग होकर बना है। एक क्वेश्चन यह बनता है, नया संभाग कौन सा बना। तो नया संभाग बना था 2008 में शहडोल संभाग बना था, और मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान में राज्य में कितने संभाग हैं। तो अभी देखा था राज्य में कितने संभाग हैं, तो 52 जिले हैं और 10 संभाग हैं। 52 जिले हैं और 10 संभाग हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्य में कितने जिले हैं। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन में 25, 45, 35 और 52। तो अभी जो है 52 जिले हैं और निवाड़ी नया जिला बना है, टीकमगढ़ से अलग होकर। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है मध्य प्रदेश का। तो क्षेत्रफल मतलब एरिया वाइज कौन सा संभाग है जो सबसे बड़ा है, 10 संभाग है उनमें से कौन सा है। ऑप्शन में चंबल, इंदौर, जबलपुर और सागर। तो एरिया वाइज संभाग अगर पूछें सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो है जबलपुर। जबलपुर एरिया वाइज सबसे बड़ा संभाग है भाई, अगर जनसंख्या के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, पॉपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो रहेगा इंदौर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑप्शन बी यानी जबलपुर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग इंदौर था, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग ऑप्शन में नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन और जबलपुर। तो इसका राइट आंसर है नर्मदापुरम। नर्मदापुरम है जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। नर्मदापुरम में कौन कौन से जिले आते हैं, यह क्वेश्चन बनता है, एडीपीयू एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि नर्मदापुरम है और इससे कितने संभाग। तो इसमें होशंगाबाद आता है, हरदा आता है और बैतूल आता है, ये तीन जिले आते हैं। देखो दो संभाग से अंतर क्वेश्चन बनते हैं, चंबल संभाग में कितने जिले हैं, कौन कौन से हैं, यह पूछा जाता है, और नर्मदापुरम संभाग से पूछा जाता है, क्योंकि इनके डायरेक्टली नाम मेंशनड नहीं है। जैसे कि इंदौर संभाग तो इंदौर मेंशनड है, भोपाल सागर संभाग तो सागर मेंशनड है, लेकिन यहाँ पर नर्मदापुरम और चंबल, तो इनसे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है, शिवपुर किस संभाग के अंतर्गत आता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन में चंबल, इंदौर और सागर। तो शिवपुर है, भिंड मुरैना से ऊपर, ये सब आते हैं चंबल संभाग में। चंबल मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जो यमुना नदी में मिल जाती है, यानी चंबल यमुना नदी की सहायक नदी है, और चंबल नदी अपने बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध है, आपको पता ही है, तो इसलिए ये क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्यालय किस जिले में, मतलब एमपी हाईकोर्ट है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो ऑप्शन में नीमच, जबलपुर, इंदौर या भोपाल। तो एमपी हाईकोर्ट है जो उसका हेडक्वार्टर, आपको पता है जबलपुर में एमपी हाईकोर्ट है, और इसकी दो खंडपीठ हैं, एक तो इंदौर में है और दूसरी ग्वालियर में है। इसकी अभी चीफ जस्टिस कौन है, यह क्वेश्चन बन सकता है। और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन थे, पहले चीफ जस्टिस थे ऑनरेबल जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला, और अभी जो जस्टिस हैं वो ऑनरेबल जस्टिस मोहम्मद रफीक हैं, जो अभी वो चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश हाईकोर्ट हैं, तो यह क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन में रीवा है, छिंदवाड़ा है, सतना है या भोपाल है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जिला है वो है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा है जो, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है छिंदवाड़ा है, जो वो महाराष्ट्र से बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट है, चूना नगरी के रूप में विख्यात जिला है, मतलब कौन सा ऐसा जिला है जिसे चूना नगरी कहते हैं। ऑप्शन में कटनी या भोपाल। तो कटनी है जो, कटनी को कहते हैं चूना नगरी, चूना नगरी कहते हैं कटनी के लिए। नेक्स्ट है, धान उत्पादक शीर्ष जिला है। ऑप्शन में कटनी जिसे चूना नगरी कहते हैं, या बालाघाट, या मंदसौर, या सिवनी। तो धान उत्पादक जो शीर्ष जिला है वो है बालाघाट। बालाघाट एक ऐसा जिला है जो महाराष्ट्र से भी सीमा साझा करता है और छत्तीसगढ़ से भी सीमा साझा करता है, इसलिए इससे इस टाइप का क्वेश्चन बनता है कि इनमें से निम्न में से कौन सा जिला है जो दो राज्यों महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करता है। तो धान उत्पादक शीर्ष जिला कौन सा है, बालाघाट। नेक्स्ट है, शीतलनाथ की जन्मस्थली कहाँ है। ऑप्शन में विदिशा, भोपाल, सीहोर और राजगढ़। तो इसका राइट आंसर है विदिशा। विदिशा में है शीतलनाथ की जन्मस्थली, राइट। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पृथक मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला जिला कौन सा है। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यह क्वेश्चन पूछा जाए। पृथक मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाला पहला जिला है देश का, तो कटनी है इसका राइट आंसर।
ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है उज्जैन जिले का प्राचीन नाम क्या था। उज्जैन का प्राचीन नाम आपको पता है अवंतिका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध जिला कौन सा है। तो ऑप्शन है शाजापुर, नीमच, रतलाम और देवास। तो इसका राइट आंसर है रतलाम। रतलाम है जो अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है और रतलाम जो राजस्थान से सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है। मंदसौर, कटनी, सिवनी या नीमच। पशुपतिनाथ का मंदिर है ये है मंदसौर में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है शहाबुद्दीन औलिया का उर्स कहाँ पर लगता है। तो ऑप्शन है नीमच, रीवा, देवास और इंदौर। तो इसके डाउट हैं, कोई कहता है रीवा और कोई कहता है मंदसौर, तो आप इसको चेक कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन को अभी हम लोग छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है रीवा संभाग के किस स्तूप है यहाँ पर की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। तो रीवा संभाग के किस स्तूप की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। ऑप्शन में है भूमरा स्तूप, भरोत स्तूप, सांची स्तूप या ये सभी। तो रीवा संभाग में है और जिला पूछा जाए तो वो आता है सतना, यह है भरोत स्तूप। तो इसकी खोज की थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने, भरोत स्तूप है यह और यह सतना जिले में आता है और संभाग बन जाता है रीवा, राइट। नेक्स्ट है हीरा उत्खनन के लिए प्रसिद्ध जिला है। ऑप्शन है बैतूल, हरदा, पन्ना या डिंडोरी। तो हीरा के लिए आपको पता ही है पन्ना है और अभी बक्सवाहा चर्चा में, वहाँ पर ऐसा पाया जाता है कि 15 गुना हीरा पाए जाएंगे। बक्सवाहा कहाँ आता है, छतरपुर जिले में आता है, क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है राज्य का सर्वाधिक नवगठित जिला कौन सा है, मतलब जो अभी हाल ही में नया जिला बना कौन सा है। ऑप्शन है आगरमालवा, भिंड, निवाड़ी या अशोकनगर। तो इसका राइट आंसर है निवाड़ी और निवाड़ी बना है 52वां जिला, टीकमगढ़ से लघुगढ़ बना है। ओरछा अब जो आएगा वो निवाड़ी में ही आएगा। ओरछा है, पृथ्वीपुर है, ये सब अपने बाड़ी में आएंगे। नेक्स्ट है पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ऑप्शन में नरसिंहपुर, धार, सतना और छिंदवाड़ा। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है एमपी और महाराष्ट्र की बॉर्डर पर है, तो ये सिवनी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है होलकर वंश की राजधानी कहाँ थी। तो होलकर वंश की जो राजधानी थी वो इंदौर में थी। नेक्स्ट है रामगढ़ की झांसी की रानी उपनाम से कौन प्रसिद्ध है। ऑप्शन में रानी दुर्गावती और रानी अवंतीबाई। तो रानी अवंतीबाई हैं जो यह रामगढ़ की झांसी की रानी के उपनाम से प्रसिद्ध थी। नेक्स्ट है खजुराहो निम्न में से किस वंश की राजधानी थी। चंदेल, परमार, कलचुरी या बुंदेला। खजुराहो आपको पता है ये चंदेल वंश से रिलेटेड था। खजुराहो छतरपुर जिले में आता है। नेक्स्ट नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब की गई। नमक सत्याग्रह की शुरुआत की गई 1930 में। नेक्स्ट है स्वतंत्रता से पूर्व इंदौर में किस रियासत का शासन था। होलकर, सिंधिया, मराठा या मालवा। तो इसका राइट आंसर है होलकर। स्वतंत्रता से पूर्व इंदौर में होलकर का शासन था। नेक्स्ट है उज्जैन महाजनपद युग में निम्न में से किसकी राजधानी था। तो अवंती इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में ताम्रवस्ती की साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुई। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कायथा, नागदा या नवदा टोली। तो इसके ये सभी राइट आंसर है, मतलब सब जगह से, कायथा से, नागदा से और नवदा टोली से। नागदा भी चर्चा में है, वहाँ नागदा और मैहर इन्हें जिला बनाने की मांग चल रही है और एक और है तो इन्हें चल रही है, इसलिए इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट जबलपुर के रूपनाथ भदौतिया के गुर्जरा नामक स्थान पर स्थित लघु शिलालेख किससे संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर है अशोक से संबंधित हैं। नेक्स्ट यूनानी राजदूत हेलियोडोरस किस शुंग शासक के शासनकाल में भारत आया था। तो यह आया था भागभद्र के शासनकाल में। नेक्स्ट नागवंश के शासकों के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए। विदिशा, एरण, खजुराहो या मालवा। तो ये हुए हैं विदिशा से। विदिशा चना उत्पादन में मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट किस दुर्ग को किलों का रत्न व भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। तो ये कहा जाता है ग्वालियर दुर्ग को किलों का रत्न या भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों। अगर वीडियो लाइक नहीं की तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।